नमस्कार दोस्तों, आरसीएम जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में है। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का फाइनल आर्डर आ चुका है। 60% और 65% अर्थात 90% और 97% की विजय हुई है। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी बना रहे हैं। इसके संबंध में सीतापुर टीम ने एक ऑडियो जारी किया है। उस ऑडियो को अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको ऑडियो पूरा सुनना है, स्किप नहीं करना है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो 60% और 65% की विजय हुई है इसके संबंध में परसों ही मेरे द्वारा सांकेतिक जानकारी दे दी गई थी। आप परसों की वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें जानकारी मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि भर्ती पूरी हो जाए। अगर भर्ती पूरी नहीं होती है, दोबारा फंसती है, तब यह भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, जैसा कि सीतापुर टीम की तरफ से कहा जा रहा है। तो आइए उस ऑडियो को सुन लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं सीतापुर टीम से हाजिर हूँ आज 6 मई 2020 को ऑडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में। साथियों दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम लोग आज 69,000 शिक्षक भर्ती का केस हार गए हैं, लेकिन अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। साथियों आपको पता है सिंगल बेंच से हम जीते थे और डबल बेंच से सरकार की स्पेशल अपील जीती है। साथियों हम आपको आगे बताते चले, अभी ऑर्डर लोड नहीं हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अपने अधिवक्ता से बात करी है और उन्होंने बताया है ऑर्डर आने दीजिए, उसमें जो भी बिंदु निकल के आते हैं उन सभी बिंदु को लेकर के हम स्टे लेने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट से और आगे लड़ाई जारी रखेंगे। आपको संगठित रहना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है मित्रों, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो आपको पता है सामंजस्य आपस में बैठाना ही सबसे बड़ी हमारी जो है एक कला होती है। इसलिए कोई भी कुछ भी गलत टिप्पणी ना करें, जो भी हुआ है साथियों आपसे कोई चीज छुपी नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुला है। जिस ईमानदारी से हम लड़े हैं ऐसा नहीं है, जो भी हुआ है वो आपको भी पता है कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी फैसला दिया जाता है कोर्ट के द्वारा हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और ये भी बताता चलूं अभी सुप्रीम कोर्ट है, अभी संघर्ष जारी रहेगा और सबके लिए जारी रहेगा और अभी रास्ते हैं। साथियों परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बाकी जैसा भी होता है ऑर्डर आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बात करने के बाद आपको हम सूचित करेंगे।